नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेट्रो में महिलाओं के लिए फ्री सफर का प्रस्ताव रखा है, जिस पर हालांकि अभी कुछ ठोस रिजल्ट निकल के सामने नहीं आया है, पर इससे लेकर सवाल अभी भी उठाए जा रहे हैं। केजरीवाल सरकार के इस प्रस्ताव पर सबसे अधिक चिंता मेट्रो को होने वाले वित्तीय नुकसान को लेकर है, जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ दिल्ली सरकार से सवाल पूछ लिया है। देश की शीर्ष अदालत ने साफ कह दिया है कि ये प्रस्ताव लागू होता है तो मेट्रो को भारी नुकसान होगा और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लाभकारी नहीं रह जाएगा। आपको बता दें कि कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर महिलाओं को मेट्रो में निशुल्क सफर करने दिया जाता है तो इससे डीएमआरसी को भारी नुकसान होगा और मेंटेनेंस और इसके अलावा अन्य सुविधाएं भी प्रभावित होंगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इससे डीएमआरसी को लगभग 1500 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान होगा और संभव है कि ये लाभकारी ना रहे। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दिल्ली की आप सरकार से कहा है कि वह जनता के पैसे का समुचित तरीके से इस्तेमाल करे और लोगों को फ्री में सेवा देने से बचे। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।